देखिए इसका सेक्शन ए करने जा रहे हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। कौन सा इसमें से इरेशनल नहीं है। इरेशनल का मतलब जैसे रूट टू होता है इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, यानी कि ये रूट कभी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो रूट टू की वैल्यू कभी एंड नहीं होती है, रूट थ्री की वैल्यू 1.732 फिर भी ये चलती रहती है, तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इरेशनल नहीं है। तो जब फर्स्ट पार्ट को देखें अगर हम, तो 3 + √7, देखो 3 रेशनल होता है और 1 इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल क्या रिजल्ट देते हैं, इरेशनल। इरेशनल रेशनल और इरेशनल का जो सम होता है या डिफरेंस होता है या प्रोडक्ट होता है वो सब इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये तो इरेशनल है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे अभी। ये भी इरेशनल है क्योंकि एक रेशनल है और एक इरेशनल है, इसमें भी एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट है तो वो भी इरेशनल ही आएगा। बचता है ये, तो यही आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं इसको, ये इरेशनल है कि नहीं। इरेशनल नहीं होना है, ठीक है, नॉट बोला क्वेश्चन में, तो इसको चेक करेंगे। बी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, 3 + √7, साथ में है 3 - √7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक आइडेंटिटी बन रही है, a + b और a - b। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी होती है a² - b² जिसमें a आपका है 3 और b है रूट 7। साइड में रख दीजिए, a की जगह क्या रखेंगे 3 √√7 - b, b की जगह रूट 7 रखेंगे, स्पेस स्क्वायर लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट 7 को 2 बोलेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 9 - 7 = 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। ये 2 तो रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल है, बाकी सारे कैसे इरेशनल है। तो यानी आपको बोला था नॉट इरेशनल, तो कौन सा रेशनल, इरेशनल नहीं है, तो ये वाला ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर दे दिस एंड दिस नंबर को, बट डिवाइड करने के ये रिमाइंडर आएगा 5 और 8। तो जब भी सबसे पहले तो देखो दो नंबर्स की बात करते हैं तो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट जब भी बोलते हैं ना, तो या तो आपको एलसीएम निकालना होता है या एलसीएम निकालना होता है। तो जब लार्जेस्ट बोले तो एलसीएम निकालना और अगर स्मॉलेस्ट बोले तो एलसीएम निकालना, ध्यान रखना। ठीक है, जब स्मॉलेस्ट बोलते हैं तो एलसीएम निकालते हैं, बट लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट बोलते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। तो लार्जेस्ट बोला क्वेश्चन में तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने से पहले हमें रिमाइंडर्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास नंबर है 70 और 125, तो पहले आप रिमाइंडर माइनस करना, बाद में एलसीएम निकालना। तो फर्स्ट का रिमाइंडर 5 है एंड सेकेंड का रिमाइंडर 8 है, सीरियल नंबर वाइज लिखना, पहले 5 - 8 माइनस करोगे तो ये 65 हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये 113 आ जाएगा। अब इन दो नंबर्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा, लार्जेस्ट बोला है तो इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ निकालना तो सबको आता होगा, कैसे निकालते हैं एचसीएफ, 65 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 65 होता है 13 × 5 = 65 एंड 113 के भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ये 113 आएगा, सॉरी 117 आएगा, 117। ठीक, तो 117 के भी हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो
ये भी 13 पे आएगा, 13 पे 9 पे आता है, 9 का आता है 3 जा, है ना, 13 जा 39 फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो प्राइम फैक्टर करने तो आते ही होंगे आपको। अब एचसीएफ निकालना है अगर हमें, एचसीएफ निकालना है अगर हमें, तो जो कॉमन नंबर है जो दोनों में आ रहा होगा वही एचसीएफ होगा। तो देखो 13 दोनों में आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा, 3 यहाँ आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा, तो 13 ही तो कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 13, यानी कि वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो एचसीएफ है, और एचसीएफ कितना आया आपका 13, तो इसका आंसर क्या होगा 13। और वैसे भी आपको याद रखना है 65 और 117 का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 13 ही होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.5 एंड सिग्मा fi xi 120 प्लस 3 के दिया हुआ है, और सिग्मा fi आपको 30 गिवन है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मीन का आप फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो मीन का फॉर्मूला सबको आता होगा, मीन होता है आपका सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको मान लो क्लास इंटरवल्स दियो और f दिया हो, तो आप मीन में क्या करते हो, क्लास इंटरवल से पहले x निकालते हो, है ना, फिर x क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 क्लास मार्क, ठीक है। उसके बाद आप एफ एक्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो एफ एक्स की लाइन आ जाती है, फिर आप इस एफ एक्स का क्या करते हो, टोटल करते हो, और साथ में एफ का टोटल करते हो, तो मीन का फॉर्मूला क्या बनता है, एफ एक्स का टोटल ऊपर और एफ का टोटल नीचे, तो इससे आपका मीन आ जाता है, ये मीन होता है, एक्स बार ये मीन होता है। तो ऐसे करके टेबल वाइज हम मीन को निकालते हैं, ये कॉलम बनाते हैं एफ एक्स का और एफ का, उसको एफ एक्स को एफ से डिवाइड करते हैं, तो आपका मीन आ जाता है। अब मीन आपको, आपको मीन इसमें इसके अकॉर्डिंग दे दिया, इसमें इन्फॉर्मेशन एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है, और साथ में मीन भी गिवन है, और के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में तो मीन तो गिवन है, मीन के लिए कितना रहेगी 7.5, सिग्मा fi xi भी गिवन है आपको, 120 प्लस 3 के दिया हुआ है, 120 प्लस 3 सिंपल है क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, एंड सिग्मा fi कितना दिया हुआ है 30 गिवन है। अब आपको k के लिए सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 1 लगा दीजिए, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं साइड में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और 0 तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 3 5 15, 3 7 21 22, और लास्ट में देखो ये मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 0.8 के बाद, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 225 आ जाएगा, एंड देन इसको इससे किया तो यहाँ लिख दिया, एंड इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड लिख दोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई तो ऐसे डिग्री आ जाएगा 120 प्लस 3 के। आप के लिए सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन को सॉल्व करना सबको आता होगा, कैसे करते हैं, के वाली टर्म को तो यही रहने देंगे, ये नंबर वाली टर्म इस साइड चली जाएगी, तो इस साइड जाएगी तो प्लस से माइनस हो जाएगी, माइनस कर लीजिए 5 2 - 2 0, 2 - 1 1 0 5 2 3 के, के निकालना है तो 3 यहाँ के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई है तो यहाँ आपकी डिवाइड हो जाएगा, के निकालना है तो जो के साथ है उसको यहाँ भेजिए, कैंसिल कर लीजिए, 3 3 9 एक बचा 35, तो 35 इसका आंसर है के का, ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड का सी था एंड इसका बी था, और अब फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पॉइंट्स गिवन है, और आपको बोला कि 4 पॉइंट्स है, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, क्वाड्रिलेटरल का आपको टाइप पूछा है कि वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप पता करने के लिए हमें इनके सारे डिस्टेंसेज निकालने पड़ते हैं, और जब डिस्टेंस निकल जाएंगे तो डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, तब हम पता कर पाएंगे कि वो कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसको नोट कर लेना, एंड नोट करने के बाद अपने आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 वर्टेक्स दिए हुए, एक वर्टेक्स ए है -1 -2, सेकेंड वर्टेक्स बी है 1 0,
एंड थर्ड वर्टेक्स सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1.8 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया है। डी क्वेश्चन है, डी और है आपका -3.0। अब आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले ए बी, ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल्स, कोई भी डिस्टेंस निकालिए तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे अगर मैं a और b के कोऑर्डिनेट्स ले लूँ तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, x2 कितना है 1 में से माइनस फॉर्मूले का, देखो ध्यान से देखो ये फॉर्मूले का माइनस है तो यहाँ लगाएंगे एंड एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ भी लगा हुआ है तो उसे भी आप ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ माइनस है और इसमें भी अगर माइनस है तो आपको माइनस माइनस क्या कर देना है, +1 + 1 बन जाएगा ना ये, और उस पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर y2 कितना है आपका, y2 0 है माइनस फॉर्मूले का एंड इस पे भी एक ऑलरेडी माइनस है तो अभी मैं लगा के दिखा रही हूँ, अभी फॉर्मूले से सीधा प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा 1 + 1 = 2, 2 का स्क्वायर करो 4 एंड -2 + 2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4, तो ये कितना आ जाएगा √8, ठीक है। √8 को आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो प्राइम फैक्टर करके, 2 + 8 = 4, 2 पेयर में तो रूट से बाहर आ जाएगा बट 1 √2 अंदर ही बचेगा, तो ये इसका ए बी डिस्टेंस आ जाएगा। अब ऐसे ही आप बी सी डिस्टेंस निकालिए, सी डी निकालिए और ए डी निकालिए, कमेंट करके बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। चलिए अब इसका बी सी डिस्टेंस कमेंट करके बताया नहीं आपने क्या है इसका डिस्टेंस, चलिए मैं कराती हूँ। तो बी सी डिस्टेंस अगर हम निकालें तो बी सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके -1 से आपके -1 पे ना। तो यहाँ पे अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ऐसे तो आप जरूर नहीं इसको x1 y1 ले रहे हो, इसको x2 y2 भी ले सकते हो, इसको x1 y1 भी, ठीक है। तो x2 में से x1 माइनस कीजिए तो x2 -1 है, फिर एक फॉर्मूले का माइनस लगेगा एंड इसमें तो कोई माइनस नहीं है ना, तो ये एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ कोई माइनस नहीं है x1 पे तो माइनस साइन लगाना है, अगर यहाँ भी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर करो, फिर इसमें से 2 में से माइनस, अब यहाँ भी कोई माइनस नहीं तो माइनस लगेगा, -1 - 1 - का 2 होता है, साइन में माइनस का स्क्वायर लग जाएगा, 2 - 2 ही होगा 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा एंड 4 मिलेगा एंड यहाँ भी 4 मिलेगा, तो ये √8 आ जाएगा। √8 अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, ये भी 2√2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये -2 बार है ना तो इसलिए ये पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही आप ए सी और डी भी निकालो, ए भी निकालिए, बी सी निकालिए, सी भी निकालिए, फॉर्मूला लगा रही सी, ये सी था और डी के पॉइंट्स है आपके पास -3 0। तो -3 में से माइनस करना है -1, यहाँ माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा,
प्लस फॉर्मूले का, फिर जीरो में से माइनस करना है टू इस पे बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू पे स्क्वायर प्लस माइनस टू पे स्क्वायर। तो ये सी डी भी देखो इतना ही आ रहा है टू रूट टू, मेरे हिसाब से ए डी भी शायद टू रूट टू ही आएगा। क्या है माइनस वन माइनस, ए डी निकाल लेते हैं, ए और बी के बीच में तो इसको मान लो एक्स टू ये एक्स वन है, माइनस थ्री माइनस करना है माइनस वन तो प्लस हो जाएगा, प्लस जीरो माइनस करना है माइनस टू तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ भी देखो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और ये भी फोर हो जाएगा और यहाँ भी रूट एट आ जाएगा। अब देखो चारों साइडें तो इक्वल आ रही है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, अगर चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस हो सकता है, ठीक है। बट अभी हमें डायगनल्स भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डायगनल चेक करने के लिए आपको दो साइड और निकालनी पड़ेगी, ए सी और बी डी। एसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ए पॉइंट है माइनस वन माइनस टू और सी पॉइंट है आपका माइनस वन और टू, एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन माइनस करना है माइनस वन प्लस वन हो जाएगा प्लस टू माइनस माइनस टू करेंगे तो प्लस टू स्क्वायर माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा एंड टू टू फोर, फोर का स्क्वायर करोगे तो सिक्सटीन और सिक्सटीन का रूट आता है फोर, ठीक है। ऐसे बी डी डायग्राम भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन वन मार्क्स के हिसाब से बहुत लंबी है, बी डी डायग्राम के लिए बी और डी के पॉइंट्स ले लीजिए। बी और डी के पॉइंट्स है आपके पास वन जीरो और माइनस थ्री जीरो, ठीक है। यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पहले माइनस थ्री में से माइनस करेंगे वन, यहाँ तो कोई साइन नहीं है तो माइनस लगा रहेगा, प्लस जीरो में से जीरो माइनस करोगे तो जीरो ही रहेगा उसका स्क्वायर, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर। एंड जब भी कोई चीज स्क्वायर में होती है, अच्छा देखो ये माइनस फोर का स्क्वायर है तो ये आएगा तो सिक्सटीन, क्योंकि माइनस साइन तो दो बार है तो प्लस हो जाएगा, है ना। और सिक्सटीन का अंदर कितना आ जाएगा फोर, तो इट मीन्स आपका फोर ए सी और बी डी दोनों सेम आ रहे हैं। तो जब डायगनल्स भी इक्वल, अगर सिर्फ इतना होता तो रॉम्बस है, डायगनल इक्वल नहीं आते, बट अभी क्योंकि डायगनल भी इक्वल आ गए ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो इट मीन्स ये रॉम्बस नहीं है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में साइड्स तो इक्वल होती होती है, साइड्स तो इक्वल होती होती है, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए ये स्क्वायर है, तो इसका आंसर स्क्वायर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता तो इतना लंबा कर सकते थे आप, अदरवाइज आप ना डायगनल से ना मिड पॉइंट निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, तो ऐसे करके हमें ये पूरा क्वेश्चन करना था, सारी साइड्स आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीख लिया होगा, कैसे निकालते हैं डिस्टेंसेस को हम, ठीक है। तो ये सारे डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए जिससे आप एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप पता कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर था, ठीक है। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए 65 और 117 का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 65 और 117 का एचसीएफ निकाल के दिखाया था जब आपने पहला क्वेश्चन किया था, तो हमने ऐसे निकाल लिया था 13, तो मैं अभी दोबारा भी करूंगी, तो आप देख लेना क्वेश्चन नंबर टू में निकाला गया था।
तो HCF आपका 13 है। अब ये जो HCF आया ना इन दो नंबर्स का, उसको हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी कि 65m-117 ये भी HCF ही है आपका, और ये HCF इस HCF के क्या रख देना, इक्वल रख देना, क्योंकि इसको आप इसमें एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से एम फिर सॉल्व कर लीजिए, तो सिंपली हो ही जाएगा। 65m को तो यही रखो, m को निकालना है, नंबर को उधर भेज दो, नंबर को माइनस है तो ये तरह के प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो 130 हो जाएगा। फिर m निकालना है तो ये m के साथ जो 65 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 65 1 10 65 2 जा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2 आपका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा 2। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पहले आप HCF निकालो, फिर HCF को इसके इक्वल रखना, तो उससे m या x जो भी होता फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज इक्वल टू 5 एंड एक्स आपको फाइंड करना है, मतलब ए और बी दो पॉइंट दिए हुए, ए पॉइंट है आपका 2-2 और बी पॉइंट है -1 और एक्स। आपको क्या गिवन है, ए बी डिस्टेंस गिवन है, ए बी डिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में, वो आपको 5 गिवन है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, ये अगर x1 y1 है, ये अगर x1 y1 है, तो ये क्या होता है x2 y2 होता है। अब x2 में से पहले x1 माइनस करो, तो -1 में से माइनस करो 2 स्क्वायर लग जाएगा, फिर प्लस, फिर y2 में से y2 x है, x में से क्या माइनस करोगे y1, अब ये ऑलरेडी माइनस थे प्लस हो जाएगा स्क्वायर, एंड ये 5 इस, ये डिस्टेंस ए भी डिस्टेंस है ना, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर रूट हटाना है आपको तो स्क्वायरिंग बहुत सही कर लीजिए, तो रूट हट जाता है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये माइनस 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 प्लस होता है, -3 का स्क्वायर प्लस, इसको आइडेंटिटी से खोलना पड़ेगा क्योंकि एक्स से 2 ऐड नहीं हो सकता, तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 हो जाए 4, फिर 2 into a into b, तो ये 4x आ जाएगा प्लस 2। अब ये मैंने पूरा कर दिया सॉल्व, इसको कर दिया, इसको कर दिया, अब रूट तो हट ही चुका है क्योंकि स्क्वायरिंग कर चुके हो आप, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करी होगी तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ये मैंने क्योंकि स्क्वायरिंग की है ना, तो यहाँ से तो रूट हटा है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4x = 25। एक्स के लिए सॉल्व करना है तो नंबर्स को एक्स स्क्वायर यही रहेगा, 4x भी यही रहेगा, एंड नंबर्स कौन कौन से आपके पास, एक तो 9 है, एक 4 है और एक 25 है, 9 और 4 13 प्लस का है, 25 को भी इधर ले आइए, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं एक्स के लिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 13-25 कितना हो जाएगा 5-3 2 12, साइन पड़ेगा प्लस 2 0। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आता ही, बस क्या गिवन है, और क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax स्क्वायर बी ए सी, यहीं पे क्वाड्रेटिक भी समझ लीजिए जिन बच्चों को नहीं आती है, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके ऐसे फैक्टर करने की बी आ जाए। ठीक है, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करो, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिला फैक्टर 12, 12 के कोई और फैक्टर सोचो, 6 2 12, और भी फैक्टर होते हैं, 3 4 12, तो अब कोई ऐसा फैक्टर चूज करना कि 4 मिल जाए आपको, तो देखो प्लस माइनस करके 4 मिल जाए, तो 12 और 1 से तो 4 नहीं मिलेगा, ना तो प्लस करके ना माइनस करके, 6 और 2 से प्लस करोगे तो 8, माइनस करोगे तो 4, ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका। तो आप क्या करोगे, इस 4x को कैसे स्प्लिट कर दोगे, 6x में से कितना 2x माइनस, ठीक है, 4x को कैसे लिख सकते हो, 6x माइनस 2x, अगर बाहर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगानी पड़ती, माइनस का 12, यानी कि हमें इस टर्म को भी चेंज नहीं किया, इसको भी नहीं, एज इट इज लिखा, बट इसको ब्रेक कर दिया इस फैक्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0,
ये प्लस इसके अंदर के साइन चेंज नहीं हुए, अदरवाइज माइनस होता तो साइन चेंज हो जाते। अब आपको इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, x दोनों में आ रहा है, अंदर क्या बचेगा इसमें से x, इसमें से x बाहर है अगर तो 6 बचेगा। फिर ऐसे इसमें से और इसमें से कॉमन लो, 2 और 12 में से 2 कॉमन है, बाहर माइनस से लिख दो, अंदर इसमें से x बचेगा, इसमें से 2 में 12 का आता है 6, अगर बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये ब्रैकेट्स क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, अगर सेम आ रही है तो ठीक कर रहे हो, अदरवाइज कुछ मिस्टेक करिए तो ये सेम आएगी तो ये कॉमन ले लो, और फिर इसमें से अंदर x बचेगा और इसमें से अंदर x बचेगा इक्वल्स टू 0। ये बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होती है वो इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं, तो x प्लस 6 को भी 0 कर सकते हो और x माइनस 2 को भी 0 कर सकते हो। तो x की वैल्यू प्लस 6 है तो इधर माइनस हो जाएगी और यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगी, यानी x के दो आंसर आ जाएंगे, x के दो आंसर आ जाएंगे 2 और माइनस 6। ठीक है, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऐसे करके आपको पूरी क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना तो आई होप सबको आता ही होगा, अदरवाइज मैंने समझा दिया कैसे करना है। अब इसका हम क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, 2 और माइनस 6 ऑप्शन में है या नहीं है। तो हमसे पूछा था कि x की क्या वैल्यूज है, तो x की वैल्यू 2 और माइनस 6 आई है, तो 2 ऑप्शन में है, तो यानी कि बी आंसर है इसका, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज आई है x की, 2 और माइनस 6। ऑप्शन में सिर्फ 2 है तो 2 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो नेगेटिव आ जाएगी तो 2 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब 7 करेंगे। तो 7 में हमें क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे, मॉड एंड मीन गिवन है 7 और 8, और आपको मीडियन निकालनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मीन मॉड मीडियन में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जब भी तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती है तो एक फॉर्मूला होता है, वो आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो फॉर्मूला क्या है आपका, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन में से 2 मीन को माइनस करेंगे तो मॉड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है, इसको रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं, मीन मीडियन मॉड को, अगर रिलेशनशिप बोले तो ये फॉर्मूला लिखना होता है। अब आपको इस फॉर्मूले में मॉड और मीन पता है, तो मॉड और मीन की वैल्यू लगा दीजिए, मॉड 7 है, मॉड की जगह 7 रख दीजिए, मीडियन आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन में, और मीन आपको दिया हुआ है 8। ध्यान से देखिए, मॉड पहले 7 और मीन आपको 8 दिया हुआ है, तो मीन की जगह कितना रखेंगे 8, मीन 2 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो मीडियन के लिए, तो 3 मीडियन को आप लगा रही हूँ, 2 × 8 कितना होता है 16, तो 3 मीडियन निकालनी है ना, तो मीडियन को पहले यही रहने दीजिए, 16 को उस साइड ले जाइए, तो 7 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 16 और 7 कितने होते हैं 23 अपॉन, ये 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मीडियन निकल जाएगी 0.2 में, ऑप्शन आपका डिवाइड में 0.2 फ्रैक्शन में है ना, 23/3 इसकी मीडियन है, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका 23/3 बी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, ऐसे करके ये फॉर्मूला याद रखना है, मीन और मीडियन में क्या रिलेशनशिप है, मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, तो आपको रिलेशनशिप बतानी है, कौन सी मतलब रिलेशनशिप प्रूव होगी। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब अगर 3 पॉइंट दिए है, कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट ना एक ही लाइन पे होने चाहिए, वो तीनों पॉइंट आपके सेम लाइन पे आने चाहिए, ये जो 3 पॉइंट है वो अगर एक ही लाइन पे आते हैं तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर दीजिए सारे पॉइंट्स, तो स्ट्रेट लाइन पर लाई करने चाहिए ए बी सी, तो कंडीशन क्या बनेगी, जो पूरी ए सी होगी वो ए बी और बी सी का क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, ए सी ए बी और बी सी का सम आना चाहिए, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड आएगी
वो बाकी दो साइड्स का क्या आनी चाहिए, सम आनी चाहिए, तो पॉलिनियर की ये कंडीशन होती है। अब आपको अभी तो पता नहीं है कि ए बी ए सी कौन है, ए बी कौन है, बी सी कौन है, तो फिलहाल हम ये मान के नहीं चल रहे कि ए सी लॉन्गेस्ट साइड है, वो हम सारे डिस्टेंसेस निकाल लेंगे एंड देन देखेंगे कि कौन सी साइड लंबी आ रही है, तो उसको बाकी दो साइड्स की टोटल डिटेल रखेंगे। तो ये मैंने जनरली बताया कि अगर ए बी सी बी पॉइंट पॉलीनियर है तो ए सी का सम ए बी प्लस बी सी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो अगर मेरे को ए पॉइंट दिया हुआ है 1 2 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है, ये बी है कि ओ है, ओ दिया हुआ है ओरिजिन पे ना। अच्छा वैसे तो हम इसे ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ए पॉइंट में प्लॉट कर सकती हूँ। तो ए क्या है 1 2 वन एक्स का 1 है और वाई का 2 है, यानी यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा एंड ऑरिजिन 0 0 है और सी आपका ए बी है। अच्छा ए बी पॉइंट तो हमें मिसिंग है ना, तो इससे प्लॉटिंग तो नहीं हो पाएगी। हाँ अगर सारे पॉइंट पता हो तो हम प्लॉट करके आंसर ले लेते, नहीं हो पाएगा बी पॉइंट है आपका ओ 0 0, इन्होंने बी ना देखे इसको ओ नाम दिया है, तो इसे ओ दे देते हैं। उसके बाद एक सी पॉइंट दिया हुआ है ए बी कोऑर्डिनेट्स है इसके, तो पहले मैं तीनों डिस्टेंसेस निकाल लेती हूँ। ए बी डिस्टेंस मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, मैं समझाऊंगी नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो अगर मैं ए ओ निकालती हूँ, ए ओ डिस्टेंस एओ डिस्टेंस के लिए हम इसमें से इसको माइनस करें, फिर इसमें से इसको और फिर स्क्वायर कर दें। अच्छा ध्यान रखना ऑरिजिन जब भी दिया हो ना तो आपको ना पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला में ही लगाना, जस्ट ऑरिजिन से जब भी कोई डिस्टेंस निकालते हैं ना तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा √5, ठीक है। सेम ऐसे ही आप ओ सी भी निकाल लो, ओ सी भी देखो ऑरिजिन से ही निकालना है ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब भी ऑरिजिन से निकालना हो तो आपको पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला में ही लगाना, जस्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको निकालना है ए सी, ए सी बचा हुआ है ना, ए सी क्या है, ए सी पे लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्योंकि अब ऑरिजिन गायब हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें से इसको माइनस करो, यानी ए माइनस 1 का स्क्वायर करो, फिर बी में से को माइनस करो और उसका स्क्वायर करो, तो ये हमारा ए सी आ जाएगा। अब कंडीशन लगा लो कि कंडीशन क्या बोली है, कॉलिनियर। वैसे तो ये क्वेश्चन ना एरिया वाले तरीके से ज़्यादा ईजी हो जाता, बट आपका एरिया वाला टॉपिक शायद हटा हुआ है, दैट्स व्हाई ए बी सी कॉलिनियर। तो हम मान के चल रहे हैं ये ऑर्डर पे ही है, तो हमें देखना है एओ और ओसी का सम किसके इक्वल आना चाहिए, एसी के। तो एओ और ओसी का सम एसी के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो चलिए कंडीशन पे लगा देते हैं, एओ कितना आया आपका √5 एंड ओसी आया आपका √a² + b² एंड लास्ट में आपका एसी आया है a माइनस 1 का स्क्वायर + b - 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग हो गई ना, पहले से खोल ले, a का स्क्वायर प्लस 1 - 2a + b² + 4 - 4b आईडी लगा दी, एरिया वाले तरीके से ज्यादा इजी रहता है, पहले स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, एक नंबर के अकॉर्डिंग तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको प्लस कीजिए, इसको यहाँ भेजना पड़ेगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर √5 की रूट हटा दी तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, जिससे √5 5 हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लेंदी हो जाएगा ये रूट वाले तरीके से। मैं इसको आपको एरिया वाले तरीके से बता देती हूँ, ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए इसका एरिया वाला जो टॉपिक होता है कॉलिनियर का वो समझ लेते हैं, इससे तो लेंदी हो गया, एक बहुत ज़्यादा, एक नंबर में तो बच्चा 1 घंटा वेस्ट कर देगा इसमें। तो एक
और तरीका है उसका देख लेते हैं हम कॉलिनियर के लिए कैसे हम रिलेशनशिप निकालते हैं। देखो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो जो एरिया होता है ना इन तीनों पॉइंट्स का ए ओ और सी, ये कोई एरिया नहीं बना रहे ना, ट्राइंगल नहीं बना रहे, ये जस्ट एक लाइन बना रहे। तो अगर ट्राइंगल होता तो कुछ एरिया होता, अगर ये लाइन बना रहे तीनों पॉइंट तो एरिया जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। हम इसमें पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 2 0 0 एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास ए पी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ एक्स वन बाहर। तो जब भी कॉलिनियर हो ना तो आप एरिया को जीरो रखते हैं, और ये एरिया का फॉर्मूला है हाफ एक्स वन बाहर तो वाई वन, अगर एक्स वन बाहर है तो वाई टू माइनस वाई थ्री हो जाएगा, फिर एक्स टू बाहर ले लो तो वाई वन माइनस वाई थ्री हो जाएगा, और फिर लास्ट में एक्स थ्री बाहर ले लो तो वाई वन माइनस वाई टू हो जाता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला है, याद रखना इसको। अब अगर ये जीरो हो गया एरिया, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट तो एरिया जीरो रखना होता है, तो ये हाफ यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा यानी जीरो ही बन जाएगा। तो इस हाफ को आप चाहो तो हटा सकते हो। x1 कितना है, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3, ये है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं। चलिए हाफ तो यहाँ जाके जीरो बन गया, तो इसको तो देखेंगे। चलिए अब x1 नोट कीजिए 1 है, y2 आपका 0 है, माइनस y3 आपका b है, फिर प्लस x2 आपका 0 है, ब्रैकेट y1 माइनस y3, y1 आपका 2 है और y3 आपका b है। इसके बाद x3 ले लीजिए, x3 कितना है a है, और y1 3 है तो y1 माइनस y2, y1 आपका 2 है और y2 आपका 0 है। ठीक, अब ये सॉल्व कर लेते हैं। और ये तो 0 ही बन गया, इसमें 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 1 को b से करो तो माइनस b हो जाएगा, 0 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिल जाएगा आपको, ये तो हटाई दो। a को 2 से करोगे तो माइनस का 2a। अब आपको a और b को अलग कर लेना है, तो अगर b को वहाँ ले जाते हो तो b यहाँ आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा एंड माइनस 2a तो अपनी जगह पे रहेगा। अब आपको कंडीशन देखिए क्या दी हुई है, b इक्वल टू माइनस 2a, नहीं है कोई कंडीशन b इक्वल टू माइनस 2a की, 2a इक्वल्स टू b की कंडीशन है, या फिर a इक्वल्स टू 2b की, b इक्वल्स टू 2a यस है तो सही, बट नेगेटिव साइन नहीं है। चलिए तो समझ आ गया, एरिया का फॉर्मूला लगाना है, जीरो के बराबर रखना है, उससे आपका ये रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 4 में से, बट आप इसको चाहो तो चैप्टर नंबर 2 के तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, चैप्टर 2 के हिसाब से भी और चैप्टर 4 के हिसाब से भी। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो देखो, अगर हम इसमें कह रहे दो नंबर्स का सम 27 है, तो मान लो एक नंबर x है, फर्स्ट नंबर कितना है x है, तो दूसरा नंबर कैसे आएगा, सेकंड नंबर आपका कैसे आएगा, जब भी सम दिया हो तो सेकंड नंबर सम में से पहले नंबर को माइनस करके आता है, जब भी आपको फर्स्ट नंबर पता हो और सम पता हो तो सेकंड नंबर सम में से पहले नंबर को माइनस करके आता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बोलिए इनका प्रोडक्ट, यानी इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक बना लो,
कैसे होती है क्वांटिटीज को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स को एक्स से करो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 27 से करो। अच्छा पहले तो 27 को एक्स से करो, फिर एक्स को एक्स से करो एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस प्लस माइनस लगेगा इक्वल्स टू 182। उसके बाद इसके क्वालिटी बनाने के एक्स स्क्वायर को साइड चेंज करो क्योंकि नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर को इधर भेजा, 27x को भी उधर भेजो और ये यहीं पे अपनी जगह पे 182 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वालिटी को अब सॉल्व करना है आपको, ठीक है। बाकी चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला, सम ऑफ टू नंबर 27 है एंड प्रोडक्ट 182 है। तो यानी वो जो दो नंबर है वो एक्चुअल में x की ही तो वैल्यूज है, जो दो नंबर है वो x की ही तो वैल्यूज है। तो x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा ही तो कहते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है 27 और अल्फा बीटा भी दिया हुआ है प्रोडक्ट, क्योंकि जो दो नंबर है वो एक्चुअल में इस इनके अकॉर्डिंग x की वैल्यू है ना। तो x की वैल्यू है तो वो x की वैल्यू अल्फा और अल्फा बीटा होगी, है ना। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना दिया है 182। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में बनाना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम को अंदर रखते हैं और प्रोडक्ट को बाहर रखते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स बाहर, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो ये हमने इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।